मध्य प्रदेश को जल्द ही एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे का कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। यह हाईवे 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसमें 768 किलोमीटर की सड़क मध्य प्रदेश के खंडवा बुरहानपुर से होकर महाराष्ट्र के जलगांव से नांदेड़ होकर हैदराबाद तक जाएगा। यह सड़क धनगांव गोरगांव से झीरी तक आकर यहां से बाईपास होकर शाहपुर की ओर जाएगी। यह सड़क इंदौर तेजाजी नगर से शुरू होकर खरगोन बलवाड़ा से धनगांव से बोरगांव से बुरहानपुर इच्छापुर से जलगांव के मुक्ताई नगर से होते हुए आगे जाएगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है। इसका काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाएगा। इसमें वाहनों की मिनिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी। यह हाईवे किसी भी गांव के बीच से नहीं गुजरेगा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी ना हो और कम समय में वे ज़्यादा दूरी तय कर सके। व्यापार व्यवसाय ही नहीं, किसानों को भी फायदा मिलेगा। इस हाईवे के बनने से व्यवसाय और व्यापार को भी गति मिलेगा। इंदौर खंडवा बुरहानपुर ऐदलाबाद और अकोला सहित हैदराबाद को जोड़ने से सिर्फ व्यापार व्यवसाय ही नहीं, किसानों को भी फायदा होगा। बुरहानपुर केला उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र है। अन्य फसलों को महाराष्ट्र व अन्य क्षेत्र में ले जाने में काफ़ी आसानी होगी। अभी 15 टन केला भेजने पर 30,000 रुपये भाड़ा लगता है। कॉरिडोर बनने के बाद एक फेरे में 5,000 बचेंगे। बुरहानपुर से रोजाना 600 से 800 ट्रक 100 बसें और 400 कार जीप चलती है। इनमें करीब 10,000 यात्री सफ़र करते हैं। रोड बनने में सफ़र में समय की बचत होगी। माल समय पर विभिन्न शहरों में पहुंचा जा सकेगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।